કેચ કેર રેટિંગ્સના બીજા ત્રિમાસિકના પરિણામ જાહેર થયા છે. પરિણામ પર વધુ વાતચીત કરવા માટે કંપનીના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. કંપનીના એમડી અને સીઓ રાજેશ મોકાશી સાહેબ. સર, ગુડ મોર્નિંગ. સબસે પહેલે સર સમજના ચાહેંગે, ગુડ મોર્નિંગ, કેસી રહી યે તિમાહી, દૂસરી તિમાહી કેર રેટિંગ્સ કે લિયે? आई थिंक ये क्वार्टर और मोर पर्टिकुलरली हाफ ईयर अच्छा रहा केयर के लिए. और केयर का हाफ ईयर का आप देखेंगे टॉप लाइन जो है करीब 9% से ग्रोथ हुई है और बॉटम लाइन हाफ ईयर के स्टेज पे करीब 22% से ग्रो ही हुए. तो ये एक आजकल के जो चैलेंजेस है मार्केट में इसको नजर में देखते हुए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा ऐसा मैं एसेस करूंगा. ओके सर, समझना चाहेंगे कितने नए क्लाइंट्स आपने ये क्वार्टर में ऐड किए हैं, और रेटिंग इनकम की बात करें वहां पे किस तरह का मोमेंटम सेकंड हाफ में पर्टिकुलरली देखने मिलेगा? सर, ये जो ग्रोथ रेट करीबन 3.5% के आसपास है, यही रेंज में रहेगा या बढ़ोतरी की गुंजाइश है यहाँ पे? नहीं, एक्चुअली मैं वही कहता हूँ कि रेटिंग इंडस्ट्री के जब आप नतीजे देखते हैं तो आपको एक क्यूमुलेटिव हाफ ईयर 9 मंथ ऐसा देखना चाहिए. तो आप देखेंगे हाफ ईयर स्टेज में हम लोग करीब 9.25% पे ग्रोथ रेट है हमारी, बिकॉज सेकंड क्वार्टर जो होता है वो जरा एक सुपीरियर क्वार्टर होता है तो उसको बीट करना हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बट क्यूमुलेटिवली 9% इज अ गुड ग्रोथ रेट इज व्हाट आई वुड से. और ये जो ग्रोथ रेट आई है इसके पीछे जो फंडामेंटल्स रहे हैं, अगर आप देखेंगे 22% ग्रोथ है कॉर्पोरेट डेट रेस इन द मार्केट प्लेस, और उसमें से करीब 32% ग्रोथ हमारे रेटिंग वॉल्यूम में है. तो वे एक अच्छा यू नो परफॉर्मेंस रहेगा इन अ ब्रॉडर सेंस. बट इफ यू सी द सेकेंड हाफ में जो मैक्रोज है, जैसे कि कंजम्पशन साइकिल का इंक्रीज की उम्मीद है, जैसे कि हम जानते हैं कि मॉनसून अच्छा रहा है, पे कमीशन रिकमेंडेशंस, ओरॉप रिकमेंडेशंस, ऑल दोस थिंग्स विल ट्रांसलेट इनटू बेटर कंजम्पशन व्हिच विल लीड टू बेटर परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज व्हिच इन टर्न कुड लीड टू बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड इवेंचुअली रिवाइवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट साइकिल. तो ये फंडामेंटल्स इस तरह से मूव होते हुए नजर आ रहे हैं. एंड एड टू इट, ये एनपीए साइकिल भी थोड़े डिमिनिश होते नजर आ रही है. इन द सेंस एनपीए साइकिल में अभी रीस्ट्रक्चरिंग के नतीजे धीरे धीरे नजर आने शुरू हो गए. आप इंटरेस्ट रेट साइकिल भी चेंज होती दिख रही है, इंटरेस्ट रेट्स आर कमिंग डाउन. ऑल दीज एग्रीगेट फैक्टर्स आर डेफिनेटली पॉजिटिव कंपेयर टू द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर. ओके, सो दीज आर डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री एंड जनरल एज इकोनॉमी एज सच, और उसका फायदा रेटिंग इंडस्ट्री को मिलने की संभावना है. ओके सर, एसएमई बिजनेस में किस तरह का ग्रोथ देखने मिला है और आगे चल के क्या अनुमान आप लगा रहे हैं, किस तरह का माहौल रहेगा? नहीं, आई थिंक एसएमई बिजनेस एक वेरी स्पेसिफिक निश अप्रोच है बिजनेस का, और उसमें एक सब्सिडी स्कीम है एनएसआईसी की जिसके अंडर हम लोग स्केलिंग अप शुरू कर लिए. लास्ट ईयर वी हैड स्लोड डाउन द बिजनेस, बट दिस ईयर वंस द सब्सिडी हैज बीन रिवाइव्ड वी हैव वंस अगेन स्टार्टेड अ स्केलिंग ऑफ द बिजनेस. द फर्स्ट हाफ हैज बीन रीजनेबल. I expect better traction in the second half. It's a small, relatively small piece of revenues that we get from this business, but we expect that to pick up as in the second half and years to come. Okay, sir. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए और सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए.